गाइस, गुड मॉर्निंग, और आप सबका वेलकम है इस चैनल पे। गाइस, आज का जो वीडियो है वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जब से मैंने मेडिटेशन करी और सनराइज देखना शुरू किया, जो मेरे में एनर्जी आई है आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सिर्फ आज ये वीडियो इसी बारे में है कि कैसे हमें मेडिटेशन करनी है और कैसे इस टाइम को हमें यूज करना है सो दैट वी कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। इससे बढ़िया टाइम गाइस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू हैव टू बी वेक अप एट दिस टाइम। अगर हम सनराइज से पहले उठ सकते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम इतना बढ़िया हो जाता है। सुबह उठते ही आप पानी पीजिए, उसके बाद आप फ्रेश होइए और किसी शांत जगह में ध्यान लगाइए, कुछ ना सोचिए, अपने दिमाग को शांत करिए, अच्छे अच्छे थॉट्स लेके आइए अपने दिमाग में, अच्छी अच्छी कल्पनाएं करिए, ग्रेटफुल होइए, थैंक्स करिए भगवान का, थैंक करिए उस एनर्जी का जो इस सृष्टि को चला रहा है, कि ऐसे टाइम में भी आप स्वस्थ हैं, ऐसे टाइम में भी आप खाना खा पा रहे हैं, ऐसे टाइम में भी आप पानी पी पा रहे हैं, ऐसे टाइम में भी आपके सर पे छत है। इससे सुनहरा तोहफा दुनिया में कोई नहीं। एक वक्त की भी अगर आप खाना खा पा रहे हैं तो यू शुड बी ग्रेटफुल। और सनराइज देखने के बाद अगर आप एक हफ्ता ये कर लेते हैं, आई विल डेफिनेटली से आपकी जिंदगी बदल के रह जाएगी। तो ट्राई दिस थिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग, सनराइज होने से पहले उठिए, आधा घंटा पहले फ्रेश होइए, ध्यान लगाइए। अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो बाद में करिए, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू सी द सनराइज। अमेजिंग, मजा आ जाता है गाइज। मेरी जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुकी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, पर ये टाइम आई एम एंजॉइंग द मोस्ट। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड गाइज, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग दिस चैनल एवरी टाइम, एंड आप प्यार देते हैं इस चैनल को। तो ऐसे ही गाइज प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।